सो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यो हनी सिंह के गाने गुड़ नाल इश्क मीठा और बादशाह के गाने पागल के पहले 24 घंटों के अंदर आए व्यूज और लाइक्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि हमारी लास्ट वीडियो के ऊपर सबसे पहला कमेंट किया था रोनी सिंह ने और देखते हैं कि हमारी इस वीडियो के ऊपर सबसे पहला कमेंट कौन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यो हनी सिंह का उनके कमबैक के बाद दूसरा सिंगल ट्रैक रिलीज कर दिया गया है जिसका नाम है गुड़ नाल इश्क मीठा। आपको बता दूं कि हनी सिंह के इस गाने को सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के अंदर 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका था और यह गाना सिर्फ 6 घंटों के अंदर इंडिया में ट्रेंडिंग नंबर 1 पर पहुंच चुका था। अब तक हनी सिंह के इस गाने को रिलीज हुए 20 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं और 20 घंटों के अंदर इस गाने को 65 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। साथ ही आपको बता दूं कि इस गाने के ऊपर 20 घंटों के अंदर 5,50,000 लाइक्स और 64,000 से ज्यादा कमेंट्स भी हो चुके हैं। दोस्तों, हनी सिंह के बाद अगर हम बात करें बादशाह के गाने पागल के बारे में तो उनके गाने को पहले 24 घंटों के अंदर 75 मिलियन यानी कि 75 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका था और 24 घंटों के अंदर उस गाने के ऊपर सिर्फ 1,94,000 लाइक्स ही मिल पाए थे। दोस्तों, इनके अलावा आपको बता दूं कि हनी सिंह के गाने पर सिर्फ 3 मिलियन व्यूज होने के बावजूद यह गाना सिर्फ 6 घंटों के अंदर इंडिया में ट्रेंडिंग नंबर 1 पर पहुंच चुका था। और अगर बादशाह के गाने की बात करें तो उनके गाने के ऊपर 24 घंटों में 75 मिलियन से ज्यादा व्यूज होने के बावजूद भी वह गाना ट्रेंडिंग पर 4 से 5 नंबर पर ही ट्रेंड कर पा रहा था। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और आपको हनी सिंह के गाने ज्यादा पसंद आते हैं या फिर बादशाह के, ये भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।